गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 2 नाउन की एक्सरसाइज नंबर के एल एम और एंड फिल करेंगे। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो क्या है, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर अंडरलाइन करनी है। तो जो हमारी के नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो उस पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। आप जानते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन्हें क्या कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। तो उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि डिस्पल द डार्कनेस विद द लाइट ऑफ नॉलेज, डिस्पल द डार्कनेस विद द लाइट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर डार्कनेस मतलब अंधेरा, ये क्या है बच्चों, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नॉलेज, नॉलेज ज्ञान, ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम डार्कनेस और नॉलेज पर क्या कर देंगे बच्चों, अंडरलाइन कर देंगे। तो आपको फर्स्ट सेंटेंस में पता चली कि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, डार्कनेस और नॉलेज। चलिए अब हम अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस में जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, देखिए, वेयर द इज अ विल देयर इज अ वे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है विल, मतलब इच्छा, जो हमारी शक्ति होती है, इच्छा होती है, वो यहाँ पर हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर विल क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए अगला देखते हैं। तो थर्ड नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, करेज कैन कॉन्कर ऑल ट्रबल्स, मतलब क्या है बच्चों, जो साहस होता है वो हमारे सभी कष्टों को क्या कर सकता है, सभी प्रॉब्लम्स से जीत सकता है। जो करेज है वो हमारी सभी प्रॉब्लम्स को हराकर जीत सकता है। तो यहाँ पर करेज, साहस और ट्रबल्स, जो कष्ट है, हमारी समस्याएं हैं, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कि आप समस्या को सिर्फ फील कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते। तो क्या है, करेज और ट्रबल, ये क्या है, फीलिंग्स हैं, ये आप महसूस कर सकते हो। तो इनको ये क्या हो गई, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। ऐसी आपका जो फोर्थ नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब क्या है बच्चों, कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, बचाव इलाज से बेहतर है। आप पहले बचाव करना स्टार्ट कर दे तो आपको इलाज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इसीलिए बचाव इलाज से बेहतर है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यहाँ पर प्रिवेंशन एंड क्योर ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला क्या है फिफ्थ नंबर का, म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, मतलब क्या है, संगीत प्यार का भोजन है। तो म्यूजिक एंड लव, ये क्या है बच्चों, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, तो इसमें म्यूजिक एंड लव, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए अब हम अपना जो सिक्स नंबर का सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो जो हमारा सिक्स नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, लेट अस ऑनर द ब्रेक। तो इस सेंटेंस में जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, ब्रेव। लेट अस ऑनर द ब्रेव, इस सेंटेंस में ब्रेव क्या है, बहादुर। तो बहादुर क्या है बच्चों, बहादुरी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। उसके बाद सिक्स नंबर का देखिए, पेशेंस इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, मतलब क्या है बच्चों, पेशेंस जो होता है वो क्या है, सक्सेस के लिए आगे बढ़ने वाला, सफलता की ओर बढ़ने वाला एक कदम है। तो क्या है, सफलता के लिए एक कदम है, ठीक है। तो पेशेंस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, पेशेंस क्या है, सफलता के लिए एक कदम है। तो यहाँ पर पेशेंस मतलब धैर्य और सक्सेस मतलब सफलता, ये दोनों ही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला देखते हैं। तो एट नंबर का जो है वो क्या है, हिटलर वॉज हेटेड फॉर हिज क्रूल्टी। तो जो हिटलर था वो माना जाता था या हेटेड था, वो नफरत के लिए जाना जाता था। इसलिए जाना जाता था हिटलर, नफरत के लिए। तो हिज
क्रूल्टी, यहाँ पर जो क्रूल्टी क्रूल्टी है, निर्दयता है, वो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बच्चों, तो क्रूल्टी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको जो आपकी के नंबर की एक्सरसाइज थी वो आपको समझ आ गई होगी। चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो हमारी एल नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, देखिए। तो जो हमारी एल नंबर की एक्सरसाइज है, अब हम उसको देखते हैं। राइट डाउन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको क्या करना है, आपको यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं आपको उनसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है और लिखनी है। जैसे देखिए, फर्स्ट है पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, और इससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी वो क्या बनेगी? पीस, मतलब शांति। तो पीसफुल से आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई बच्चों? पीस। पीसफुल से कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई? पीस। ऐसे ही सेकंड है स्ट्रांग, मजबूत। इससे आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी वो हुई स्ट्रेंथ। स्ट्रांग से जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी वो क्या हुई बच्चों? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, तो स्ट्रेंथ आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला देखिए, काइंड। काइंड से कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी? काइंडनेस। काइंड से कौन सी बनी? काइंडनेस। काइंड दयालु, काइंडनेस दयालुता, तो काइंडनेस आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद अगला है इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? आविष्कार करना, और इससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है वो होती है इन्वेंशन। क्या होती है? इन्वेंशन मतलब आविष्कार। तो इन्वेंट से आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी बच्चों? इन्वेंशन। उसके बाद है हम्बल, और हम्बल से आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी? हम्बलनेस। कौन सी बनेगी? हम्बलनेस। उसके बाद अगली है सिक्स नंबर पर वीक, और वीक से आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी? वीकनेस। वीक का मतलब आप जानते हैं कमजोर, और वीकनेस कमजोरी। ठीक है, तो वीक से आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी? वीकनेस, कमजोरी। उसके बाद सेवेंथ नंबर पर है वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? बुद्धिमान। और उससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है वो है विजडम। क्या है? विजडम। और विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता। क्या होता है? बुद्धिमत्ता। उसके बाद अगला है सेवेंथ नंबर पर फ्री। फ्री का मतलब आप जानते हो स्वतंत्र, और इससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती होती है वो होती है स्वतंत्र, फ्रीडम। फ्री से जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है वो क्या होती है? फ्रीडम, स्वतंत्रता। ठीक है, तो फ्री से आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी? फ्रीडम। उसके बाद अगला है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब आप जानते हो ईमानदार, और इससे आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी? ऑनेस्टी। ऑनेस्ट से आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी? ऑनेस्टी। उसके बाद अगला है डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय से आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी वो होगी डिस्ट्रक्शन। क्या होगी? डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। उसके बाद 11 नंबर पर है पुअर, और पुअर से जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी वो होगी पॉवर्टी। क्या होगी बच्चों? पॉवर्टी। उसके बाद अगला है करेजियस। 12 नंबर पर क्या है? करेजियस, और इससे आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी वो क्या बनी? करेज। 12 नंबर पर आपकी क्या थी? करेजियस, और इससे आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी वो क्या बनी है बच्चों? करेज। तो आपको एल नंबर की एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आपको क्या करना है इसमें, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है। ओके, तो चलिए अब हम अपनी एम नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं। तो एम नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, देखिए। तो बच्चों जो आपकी एम नंबर की एक्सरसाइज है वो है रीसेल दीज पॉपुलर फेबल्स। व्हाट डज ईच फेबल टीच यू? फिल इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको पता है कि जो फेबल्स होते हैं, पॉपुलर फेबल्स जो हैं, आपको उनको रीसेल करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको क्या करना है, इन फेबल्स में उनको फिल करनी है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन दी है वो आपको इन फेबल्स में फिल करनी है। तो देखिए, पहला है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। तो उसमें क्या है? ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया बच्चों? ट्रुथ। अगला देखिए क्या है, अ मैन एंड हिज सन। उसमें क्या थी? मतलब एक आदमी और उसके बेटे। ये आपकी एक पॉपुलर कहानी है जिसमें आपने पढ़ा है। तो ये कहानी जो थी, तो जो उससे आपको शिक्षा मिलती थी वो क्या थी? स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी।
मतलब एकता में ताकत। तो इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करी गई है इसमें वो क्या है, स्ट्रेंथ। तो यहां पर जो आपको टू नंबर पर फिल करना है वो क्या है, स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर का देखिए, थर्ड नंबर पर क्या है, मर्क्यूरी एंड द वुड कटर। आपने मर्क्यूरी एंड वुड कटर वाली स्टोरी तो पढ़ी ही होगी, तो उसकी जो फेबल है वो क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर आपने क्या फिल किया है बच्चों, ऑनेस्टी, क्या फिल किया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर आपने ऑनेस्टी फिल किया है। अब आपने पढ़ी होगी द टॉर्टोइस एंड द हेयर, आपने कछुए और खरगोश की जो कहानी है वो तो पढ़ी है, और उससे आपको क्या मिलता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब जो आराम से चलता है और बहुत अच्छे से जो काम करता है वो रेस जीत जाता है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब धीरे और लगातार करने, लगातार काम करने से कोई भी रेस हम जीत सकते हैं। तो इसमें जो आपने भरा है उसमें क्या भरा है, स्टडी। तो फोर्थ नंबर पर हम क्या भरेंगे, स्टडी। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर देखिए, द लॉयन एंड द माउस। अब यहां पर शेर और चूहे की कहानी की बात हो रही है। तो समटाइम्स द बीक हैव माइटी, कभी कभी क्या होता है, जो बीक होता है, जो कमजोर होता है, वो भी कुछ अच्छा कर देता है, जीत दिला देता है। तो यहां पर माइटी या बचा सकता है। तो फिफ्थ नंबर पर हम क्या भरेंगे बच्चों, माइटी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, सिक्स नंबर पर, नॉर्थ विंड एंड द सन। नॉर्थ विंड एंड द सन, तो इसमें हमने सिक्स नंबर पर क्या भरा है, पर्सुएशन। तो जेंटल पर्सुएशन इज बेटर देन फोर्स, जेंटल पर्सुएशन इज बेटर देन फोर्स। तो सिक्स नंबर पर हमने क्या भरा है, पर्सुएशन। ठीक है, चलिए सेवेंथ नंबर का देखिए, द डॉग एंड हिज रिफ्लेक्शन, मतलब कुत्ता और उसका प्रतिबिंब, हिज रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या है, सो सेल्फ कंट्रोल इन एवरीथिंग। तो यहां पर हमने क्या भरा है, सेवेंथ नंबर पर, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों देखिए, एट नंबर का क्या है, द बर्ड्स बेस्ट एंड बेट्स। तो इसमें क्या है, शो लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंड, मतलब अपने मित्रों के बीच में क्या होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। तो एक नंबर पर हमने क्या फिल किया है, लॉयल्टी। तो शो लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच लॉयल्टी होनी चाहिए। तो बच्चों आपको एम नंबर की एक्सरसाइज समझ आई, इसमें आपको जो फेवर्स दिए हैं आपको उनमें ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फिल करनी है। ओके, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो हमारी एन नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो जो हमारी एन नंबर की एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है देखिए, चेंज द वर्ड्स गिविन ब्लो इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या करना है, इनको चेंज करके, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलकर ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें फिल करना है। देखिए पहला क्या है, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, सूचना देना। इमेजिन, कल्पना करना। चैरिटेबल का मतलब क्या होता है बताइए, दानशील, दान करने वाला। टॉलरेट, सहन करने वाले को, टॉलरेट करते हैं हम किसी को, उसको हम सहन करना बोलते हैं। ब्रॉड, चौड़ा। डिटरमाइंड, निर्धारित। यंग, जवान या युवा। डिसाइड, निश्चय करना या तय करना। लॉन्ग, लंबा। रेस्पेक्टफुल बताइए, आदरपूर्ण। ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल का मतलब क्या होता है बताइए बच्चों, कर्तव्य। पिटिएबल का मतलब क्या होता है, मायूस। तो बच्चों आपको मैंने इन सब के मतलब तो बताई दिए, अब हमको इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करके और जो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उनमें फिल करना है। तो पहला देखिए, अवर टीचर गेव अस ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशन। हमारी टीचर ने दिया हमें एग्जामिनेशन के बारे में क्या देंगी, इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारा इन्फॉर्म है इसको हमने किस में चेंज किया बच्चों, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। सूचित करने को हमने किस में चेंज किया, अगर हमको इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है तो क्या बनी, इन्फॉर्मेशन। तो अवर टीचर गेव अस इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशन। ओके, तो इन्फॉर्म को हमने किस में चेंज कर दिया, इन्फॉर्मेशन। अगला देखिए, ब्लैंक
इज अ वर्च्यू। सेकेंड नंबर पर क्या है हमारा बच्चों, ब्लैंक इज अ वर्च्यू। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, चैरिटेबल। चैरिटेबल की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी वो क्या होगी, चैरिटी। तो यहां पर क्या फिल किया जाएगा, चैरिटी। तो चैरिटी इज अ वर्च्यू, क्या हुआ, चैरिटी इज अ वर्च्यू। चैरिटी का मतलब क्या होता है, दान पुण्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो एम एफ हुसैन इज अ पॉपुलर फॉर हिज ब्लैंक इन हिज पेंटिंग। जो एम एफ हुसैन है वो पॉपुलर है किसके लिए, काल्पनिक, अपनी पेंटिंग्स में काल्पनिक चीजों के लिए वो पॉपुलर है। तो यहां पर हमने इमेजिन का भरा है, इमेजिनेशन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, और इमेजिनेशन काल्पनिक, ठीक है, या विचार जो वो अपनी पेंटिंग में डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक। तो उन्होंने इसमें क्या भरा जाएगा, इमेजिनेशन। एम एफ हुसैन इज पॉपुलर फॉर हिज इमेजिनेशन इन हिज पेंटिंग। क्या हुआ बच्चों, एम एफ हुसैन इज पॉपुलर फॉर हिज इमेजिनेशन इन हिज पेंटिंग। तो आपको समझ आया क्या हुआ, एम एफ हुसैन इज पॉपुलर फॉर हिज इमेजिनेशन इन हिज पेंटिंग। तो चलिए आपको थर्ड नंबर का तो समझ आ गया होगा, अब हम देखते हैं अगला। तो फोर्थ नंबर पर क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। तो जो फोर्थ नंबर का है वो क्या है, द चिल्ड्रन मेड इज ब्लैंक टू गो टू ऑन पिकनिक। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या फिल किया है, आपको पता है क्या फिल किया है हमने यहाँ पर, डिसाइड की एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगी, डिसीजन। तो द चिल्ड्रन मेड अ डिसीजन टू गो टू ऑन अ पिकनिक। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, डिसीजन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का क्या है, डू यू नो ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑफ द हिमालय रेंज। तो बच्चों यहाँ पर हम कौन सी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो फिल करेंगे, लेंथ और ब्रीथ। तो बच्चों लेंथ जो है वो लॉन्ग से बनी है, और ब्रीथ जो है वो ब्रॉड से बनी है। तो डू यू नो लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द हिमालय रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो कौन सी, किससे बनी हुई है, लॉन्ग से, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी, लेंथ, और ब्रॉड से कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी, ब्रीथ। तो डू यू नो लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द हिमालयन रेंज, ओके। चलिए सिक्स नंबर की देखते हैं, पीपल आर एनर्जेटिक इन देयर ब्लैंक। पीपल आर एनर्जेटिक इन देयर ब्लैंक। तो यहाँ पर बच्चों जो हमने वर्ड था यंग, उससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई, और यहाँ पर हमने क्या भरा है, यूथ। तो यंग से आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी, यूथ। तो यहाँ पर क्या फिल हुआ है, यूथ। उसके बाद सिक्स नंबर का क्या है, सेवन नंबर का देखिए, सेवन नंबर पर है, हर ब्लैंक न्यू नो बाउंड्स। हर ब्लैंक न्यू नो बाउंड्स। तो बच्चों यहाँ पर हमने फिल किया है टॉलरेट, और टॉलरेट से कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी, टॉलरेंस। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, टॉलरेंस। तो टी ओ एल ई आर ए एन सी ई, टॉलरेंस। यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा बच्चों, टॉलरेंस। तो सेवन नंबर पर हमने क्या फिल किया है, हर टॉलरेंस न्यू नो बाउंड्स, ठीक है, हर टॉलरेंस न्यू नो बाउंड्स। तो यहाँ पर आपने क्या फिल किया है, टॉलरेट से बनी हुई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका नाम, जिसको क्या बोला जाएगा, टॉलरेंस। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, शो ब्लैंक फॉर द निडी। यहाँ पर हमने क्या फिल किया है बच्चों, पिटीफुल, जो वर्ड था ना, पिटीएबल से हमने कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई, पिटी। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है बच्चों, पिटी। पिटीएबल से जो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई है पिटी, उसको हमने एट नंबर के सेंटेंस में फिल किया है, शो पिटी फॉर द निडी, और ये किससे बनी हुई है, पिटीएबल से, ठीक है। उसके बाद नाइन नंबर पर देखिए, ब्लैंक योर एल्डर्स। तो हमने जो यहाँ पर जो शब्द फिल किया है वो है रेस्पेक्टफुल, और रेस्पेक्टफुल से जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कौन सी बनी है, रेस्पेक्ट। तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। चलिए उसके बाद टेन नंबर का देखिए, गांधी जी बिलीव्ड दैट वी शुड शो ब्लैंक। गांधी जी बिलीव्ड करते थे या भरोसा करते थे, दैट वी शुड शो पिटी। यहाँ पर भी हमने पिटी एबल से क्या बनाया है, पिटी। गांधी जी भरोसा करते थे दूसरों को, दूसरों के ऊपर दया दिखानी चाहिए, इसमें भरोसा करते थे, इसको
देखते थे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या फिल किया है, पिटी। गांधी जी बिलीव्ड दैट वी शुड शो पिटी, ठीक है। हमें क्या दिखानी चाहिए, हमें दया दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर पिटीएबल से क्या बना है बच्चों, पिटी। चलिए 11 नंबर का देखते हैं। अब्राहम लिंकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर बच्चों जो था ना डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चित, यहाँ पर हमने भरा है डिटरमिनेशन। जो अब्राहम लिंकन है वो एग्जाम्पल है किसका, डिटरमिनेशन का। किसका बच्चों, डिटरमिनेशन का, निश्चय का, निश्चय पूर्ण होने का, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पर है, वी हैव अ ब्लैंक टू लुक आफ्टर ईच अदर, मतलब हमारी ड्यूटी है। तो यहाँ पर हमने ड्यूटीफुल से क्या भरा है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य है। तो वी हैव अ ड्यूटी टू लुक आफ्टर ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, ड्यूटी। तो बच्चों आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर K, L, M, N समझ आई। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर K to N अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए गुड बाय।